बच्चों, हमें पूरा विश्वास था कि तुम दोनों को कुछ नहीं होगा। होता भी कैसे भाई साहब, एक दैविक है एक दावंश, इन दोनों ने एक दूसरे को खतरे से बचाया होगा। अरे पर हमारे मुन्ने का क्या, वो तो इतना छोटा है, उस पर क्या बीती होगी। नन्ही सी जान और इतना बड़ा हादसा, अपनी दादी डायन को देख के तो कितना डर गया होगा ना। नहीं चाची, मुन्ना तो हाय मेरा मासूम सा बच्चा कितना सहम गया होगा उन मृतकियों को देख के। मुन्ना बिल्कुल नहीं घबराया वो तो। या तुम्हें कैसे पता, ये बोलकर थोड़ी ना बता सकता है तुम्हें। हाँ वही तो, ये तो बस रोता रहा होगा है ना। नहीं नहीं चाची, मुन्ना बिल्कुल नहीं रोया, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अरे स्ट्रॉन्ग होगा ही, आफ्टर ऑल दैविक और दावंश का बेटा जो है। अरे लेकिन है तो छोटा सा बच्चा ही ना। मुन्ना, अरे मुन्ना, यही तो हम आपको कब से बताने की कोशिश कर रहे थे कि हमारे मुन्ना के पास शक्तियां हैं। हमने मुन्ना को मृतकी और मोहना से नहीं बचाया है, बल्कि मुन्ना ने हमें उनसे बचाया है। मुझे पहले ऐसा लग तो रहा था कि हमारे मुन्ना के पास शक्तियां हैं, लेकिन ऐसी शक्तियां हैं ये मुझे नहीं पता था। आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। अरे अंश, हम घबराएंगे क्यों बेटा, ये तो खुशी की बात है कि हमारे पोते में इतनी सारी शक्तियां हैं। क्या बात है, जिस उम्र में बच्चे डायपर नहीं बदल पाते, ये डायनों से लड़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है रुचिता, इतनी सी उम्र में ये सब कुछ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। पता नहीं मैंने पहले क्यों नहीं सोचा इस बात के बारे में। अंश और पिया, ये तुम दोनों का बच्चा है, दावंश और दैविक का बच्चा है, इसमें शक्तियां तो होनी ही थी ना। हाय मेरा मुन्ना, इसे नजर ना लग जाए इसमें से काला टीका लगा देते। अरे 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 अरे, अरे काला टीका तो लगाने दे बच्चे। ओहो अच्छा 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 अच्छा, ठीक है जाओ भाई खेल। मुन्ना काला टीका भी नहीं लगाने दिया इसने मुझे। मुन्ना अरे अरे मुन्ना, अरे संभालो ना गिर गया तो। मुन्ना मुन्ना, 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 ये तो दीवार पे चढ़ा छिपकली की तरह। छिपकली नहीं, ये तो स्पाइडरमैन है। बेबी स्पाइडरमैन। मुन्ना बेटा, बेटा नीचे आ जा बेटा। मुन्ना नीचे आ जाओ। अरे चलो मुन्ना प्लीज नीचे आओ। अरे इसे उतारो गिर जाए। डैड, डैड,
मैंने कहा था ना इस बेवकूफ पर भरोसा मत करना। तुमने मेरी बात नहीं मानी साबी, उस वजह से उस राक्षस के बारे में इंफॉर्मेशन की एक सोर्स और मोहना दोनों हमारे हाथ से बाहर निकल गए। डैड, मैं जानती हूँ कि नमन से गलती हुई है, लेकिन अभी भी सब खत्म नहीं हुआ है। हमारे हाथ में अभी भी एक पत्ता है। मोहना के बाल, इनसे हम ये जान सकते हैं कि डायन रहस्य के उस पेज में मोहना ने क्या पढ़ा था। अगर तुम ये करना चाहती हो तो कर सकती हो सावी, लेकिन मेरे लिए डायन रहस्य का वो पेज इस वक्त प्रायोरिटी नहीं है। क्या मतलब डैड? क्या मतलब? मोहना के आजाद हो जाने का मतलब है कि पिया के बच्चे की जान फिर से खतरे में पड़ गई है सावी। और जब डायन कुछ ठान लेती है तो वो अपने मकसद से पीछे नहीं हटती। और अब बात सिर्फ मोहना की नहीं, बात बहुत बढ़ चुकी है। मैंने पंडित जी से बात कर ली। मंदिर पहुंचते ही मुन्ना की पहले नजर उतरवाएंगे और फिर माता रानी का आशीर्वाद दिलवा देंगे उसको। अच्छा किया भाभी, इसी बहाने हमारे मुन्ना को माता रानी के दर्शन भी हो जाएंगे। इतने सारे चमगादड़ कहाँ से आए? ऐसे तो ये लोग शीशे को तोड़ के अंदर आ जाएंगे। गाड़ी में बैठे रहना सेफ नहीं है। मैं काम करता हूँ, गन शॉट से इन्हें डराने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही मौका मिले आप लोग निकल जाइएगा। चलो चलो। अरे बाप रे, ये क्या भला है? आज जल्दी जाके जाके मुन्ने को छुपाओ, जल्दी से छुपाओ यार, छुपाओ उसे। देखा आप लोगों ने, जैसे ही मुन्ने को ढका तो सारे चमगादड़ चले गए। हाँ, तो क्या ये लोग बच्चे के लिए आए थे? एक बेवकूफी की वजह से मुझे मोहना को छोड़ना पड़ा। वैसे क्या जरूरत थी उसे पानी पिलाने की? तुम्हारी मौसी लगती है क्या वो, जो तुम्हारा सेवा भाव उमड़ आया उसके लिए? अरे 75 बार तो हम आपको सॉरी बोल चुके हैं। अगर हम कान पकड़ के उठक बैठक करेंगे तो आप हमारा सॉरी एक्सेप्ट कर लेंगी। ले लीजिए, ले लीजिए। लिसन, हमारी इसी सेवा भाव की वजह से मोहना हमारे हाथ से निकल गई और उस राक्षस से डील करने की इकलौती इंफॉर्मेशन भी। अरे कहाँ जा रही है, सुनिए।